और जिस तेज है और ये गुस्सा भी कि पिछले 5 साल में जिस तरह से अत्याचार और अन्याय की यहां सरकारें चली है उनका जवाब देने के लिए आपके दिलों में जो गुस्सा है वो 25 नवंबर को कमल के फूल पर बटन दबा करके गुस्सा हो जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आपके लिए। मुझे पता लगा जब यहां के कार्यकर्ताओं ने बताया, आप सबके लिए नगर शहर के प्रमुख लोगों के द्वारा, नगर बस्ती के लोगों के द्वारा स्वादिष्ट भोजन भी बनवाया गया, ऐसा मुझे अभी पता है। बस्ती के लोगों ने कहा है कि जब सरकारी पूरी विधानसभा की यहां आ रही है तो बिना प्रसाद के नहीं जाएगी, लेकिन हमने यह निर्णय लिया है कि बस्ती का सर्वाध्यक्ष आदेश हम प्रसाद लेके जरूर जाएंगे, लेकिन प्रसाद से पहले पूरी सरदारी बाजार में होकर बस्ती का प्रणाम करके आएगी, उसके बाद हम प्रसाद लेंगे। जब आप हमारा इतना मान और सम्मान करें तो हमारा फर्ज बनता है हम पूज्य सरदारी को प्रणाम करें, नमन करें, और नमन करने के साथ आग्रह भी करें कि 25 नवंबर को कमल के फूल को कोई भूल नहीं जाए। ये प्रत्याशी जवाहर सिंह मैडम नहीं है, ये प्रत्याशी कमल का फूल है, और कमल का फूल कभी न जाना भूल। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने आप सबको आह्वान किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत को नंबर वन बनाने के लिए, गांव गरीब का विकास करने के लिए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा बनाने के लिए सभी जाति समाजों के लोगों को साथ लेकर नगर के विकास के साथ साथ राजस्थान में भी सुशासन लाने का संकल्प। मैं तो आप लोगों को एक ही वचन दे सकता हूं, मेरे मां बाप का अकेला बेटा हूं। आदरणीय सीताराम जी गुरु जी ने मुझे छोटी सी उम्र से पढ़ाया, संकल्प लिया जीवन में कि मां की कोख से जन्म लेकर के उनका बेटा जरूर हूं, लेकिन नगर की जनता का नेता नहीं, बेटा बनकर आपकी चरणों की धूल को माथे से लगाकर आपकी सेवा करूं। मैं आपको वचन दे सकता हूं, आपने 25 नवंबर को आपके बेटे को पूरा आशीर्वाद दिया जैसा लग रहा है, पूरे 5 साल आपके दरवाजे पर खड़ा रहकर के आपकी चौकीदारी करूं। कोई भी जाति समाज का व्यक्ति यह महसूस नहीं कर पाएगा कि हमने जिस व्यक्ति को चुना वो व्यक्ति हमारे प्रति खड़ा उतरा है। 100% 24 कैरेट अभी कामा के लोग कह रहे, कामा के लाल दरवाजे पर जब मैंने उद्बोधन दिया उससे पहले जब प्रचार हो गया तो लोगों ने कहा कि ना कोई जीत के आवे ना कोई हार के आवे सा। मैंने वो वचन दिया था लाल दरवाजे पर, आज यहां वचन दे रहा हूं। वहां मैंने कहा था कि कामा के लोगों, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के मेरे पूजनीय सरदारी के लोगों, आप लोगों ने यदि मुझे जिता दिया तो जनप्रतिनिधि बनके आपकी सेवा करूंगा, और यदि मैं चुनाव हार गया तो बाबा जी हो जाऊंगा, लेकिन कामा की जनता की सेवा से पीछे नहीं जाऊंगा। आज मैं उसको पुनः दोहरा रहा हूं, वहां तो इस प्रकार का संदेह था लेकिन नगर में कोई संदेह नहीं है। नगर की तो घोर मार्ग है, क्या क्या ब्रांड, ब्रांड नगर का ब्रांड ने पूरे राजस्थान में आवाज कि नगर में आपकी बार कमल खिलेगा, और मैं ये वादा करता हूं आप जिस कमल को फुलाओगे
उस कमल को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा, कभी मुरझाने नहीं दूंगा। आपके मान सम्मान के लिए जवाहर सिंह पेड़म कुर्बान हो जाएगा, लेकिन आप पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। मेरी तो आपसे इतनी सी अपील है, मैं झोली बना करके आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, आपके चरणों में मैं नमन कर रहा हूं। आप प्रत्येक व्यक्ति जवाहर सिंह पेड़म है, खुद जवाहर सिंह पेड़म बनकर के क्षेत्र में जाइए, लोगों को गारंटी दे दो कि आप तो वोट दे दो, जवाहर सिंह पेड़म 2400 घंटे आपके साथ खड़ा है। मेरी गारंटी आप लोग, मेरी गारंटी आप लोग देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय संस्कृति का पोषक होना मेरा धर्म है। मेरे आंखों में आंसू आ जाते जब 80-80 साल के बुजुर्ग गोदी में लेकर मेरे सर पर हाथ रख के कहते हैं, बेटा तेरे पर बहुत बड़ा विश्वास है, हमने बहुत धोखे खाए हैं। मैं भी यही कहता हूं कि आपके सबके अंश से पैदा हूं। ये महाराजा सूरजमल की धरती है, महाराजा सूरजमल में पानीपत में जाकर के एमन शाह अब्दाली को पछाड़ करके हिंदू संस्कृति की रक्षा की, हम सब उनके वंशज हैं। हम इस धरती पर, इस नगर की पवित्र भूमि पर कसम खाते हैं कि जो अत्याचारी, अन्यायी, चाहे गौ तस्कर हो, चाहे लुटेरे हो, चाहे डकैत, चाहे गुंडागर्दी करने वाला किसी भी जाति धर्म का हो, जवाहर सिंह पेड़म को जनप्रतिनिधि चुना तो उनको इलाका छोड़ करके भाग भागना पड़ा। मेरी पुनः अपील है पूरी सरकारी, यहां बहुत लोग बोलने को बैठे, आशीर्वाद देने के लिए आए, प्रजापत समाज के लोग मंच में बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारा आशीर्वाद है, खड़े हो। हमारे नारायण सिंह टोला जाटव समाज की पूरी सरकारी को लेकर के आए, ये मेघ समाज के लोग आए, हमारी जाट समाज की सरकारी जरूर थर बैंड की पूरी और मानवता तक के सब लोग यहाँ बैठे हैं, यादव समाज के सभी पांचों सातों गांवों के सभी प्रमुख लोग बैठे हैं। अब गुजर सरकारी की कहूं मैं तो फौज से जन्म लिया है, मां मेरी वो है, बाप मेरे उस हिसाब से है, तो मां जन्म लिया है, जाट समाज का मेरा पूरा गांव है, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के कहा कि जवाहर सिंह पेड़म ये तेरा चुनाव नहीं है, ये पूरा गांव मिलकर के लड़ेगा, घर घर जाएगा, झोली मांगेगा सबसे पहले। मैं आभार व्यक्त करूंगा मानवता की, दोनों गांवों की सरदारी को। मैंने तो अभी प्रचार भी शुरू नहीं किया था, प्रचार विधिवत रूप से आज शुरू होगा, जैसा वो कह रहे थे हमीर, उन दोनों गांवों ने प्रचार शुरू करने से पहले पंचायत करके सातों जाट, ये मुझे समर्थन नहीं दिया है, आप सबको समर्थन दिया है, आप सबका मान सम्मान करने का काम किया है। मैं सभी जाति धर्मों के लोग, सभी गांवों से आए लोग, चाहे वो किसी भी गांव के हो, चाहे 4 घर की बस्ती है, चाहे 1000 घर की बस्ती, मैं सब गांवों के लोगों का एहसान मंद हूं। कल जब आदि बद्री पर मैं पूजा अर्चना करने के लिए गया था कि अमावस्या का दिन है, मैं पूजा अर्चना कर लूं, लोगों को पता लगा, वहां के बुजुर्गों को पता लगा, खोवाटी की पूरी सरदारी, जिनमें सभी जाति समाज के लोग, खोवाटी की पूरी सरदारी जो हजारों की संख्या में इकट्ठी हो गई, और उन्होंने कहा कि जवाहर सिंह तू अकेला नहीं है, यदि कोई इस यज्ञ में विघट फैलाने की कोशिश करेगा तो ये सब लोग मिलकर के उसका जवाब देने का चाहिए। दोस्तों, नौजवान साथियों, भाषण देने का बहुत समय, पूरे 35 दिन गड़ा चलाना पड़ेगा, मेरे से कहीं भी कोई चूक गलती महसूस हुई हो, कभी भी इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में, उसका तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे मेरे संज्ञान में कोई आ जाती है तो मैं करता नहीं, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इतने दिन राजनीतिक जीवन में हो गए, भाईचारे की आपस की लड़ाई में जवाहर सिंह पेड़म कभी ना बोलता है ना बोलेगा।
इस चीज को जरूर दूर रखना। बाकी विकास के काम, राजीनामा की बातें आपके भात में, छोचक में, जामे में, बारात में, मरे में, गिरे में, दुख में, सुख में, जहां भी आप याद करोगे मैं हमेशा याद रहूंगा, आपके चरणों में खड़ा रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा और नगर में चार चांद लगाने का काम करूंगा। आज यहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पुलिस लूट पे लगी रहती है, तहसील थानों में पैसा चाहिए, किसी भी दफ्तर में चले जाओ वहां पैसा चाहिए। कहते हैं विधायकों ने अपने परिवार के लोगों को थाने बांट रखे, वो वसूली करते हैं। अरे मैंने तो मिसाल कायम की है, पुलिस के मुंह में से पैसा निकलवा करके लोगों को वापिस कराने का काम जवाब। अब तो आशीर्वाद रखिए, आपका ये चेतक कभी नौ नहीं खाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। मेरे ऊपर जो आशीर्वाद दिया गया उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, धन्यवाद।